नए भारत का नया स्टेशन। इसी स्लोगन के साथ अब भारतीय रेलवे कुछ स्टेशनों का कायाकल्प करने जा रही है। वैसे तो देश में 199 स्टेशनों के विकास का काम जारी है, लेकिन हाल ही में बुधवार को पीएम मोदी ने देश के 3 बड़े स्टेशन नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई रेल स्टेशन के पुनर्विकास को हरी झंडी दिखा दी। देश के 199 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशन को एक साथ लिया जा रहा है और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशन के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशन पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशन हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशन हैं, इन स्टेशन के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन दिए। लंबे समय से इस योजना पर काम चल रहा था, लेकिन अब इसे हकीकत का अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। इन 3 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये खर्च सरकारी खजाने से किया जाएगा। इस रीडेवलपमेंट से करीब 35,744 नई नौकरियां पैदा होंगी। हर एक स्टेशन में पैसेंजर्स के लिए स्पेशियस रूफ प्लाजा, जिसमें खाने पीने, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने के लिए और लोकल प्रोडक्ट्स के लिए भी जगह बनाई जाएगी, यानी कि उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ लोकल चीजों को भी बराबर अहमियत मिलेगी। ये रेलवे स्टेशन दोनों तरफ से शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड होंगे। इसमें पार्किंग और ट्रैफिक के सही तरीके से चलने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वहीं इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि स्टेशन शहर के हर ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो या मेट्रो, उनसे अच्छी तरह से कनेक्टेड हो। इसके साथ साथ दिव्यांगों के लिए भी खास सुविधाएं मौजूद होंगी, जिसमें लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, ट्रैवलेटर्स शामिल हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। इस रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग टेक्निक के जरिए बनाया जाएगा, जिसमें सोलर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन और रिसाइकलिंग का ध्यान रखा जाएगा। ये तो बात हुई सुविधाओं की, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने में कितना समय लगेगा। तो कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विकास में करीब 3.5 साल यानी कि 3.5 साल का समय लगेगा। वहीं मुंबई और अहमदाबाद के स्टेशनों का काम करीब 2.5 साल में पूरा हो जाएगा। ये तो रही इन स्टेशनों में मौजूद होने वाली सुविधाओं और निर्माण में लगने वाले समय की बात। अब बात करते हैं कि अलग अलग शहरों में कैसे रहेंगे स्टेशन के मॉडल। तो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन को 2 गुंबदनुमा भवनों में तब्दील किया जाएगा। इसमें 4 मंजिलें होंगी। यहां यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्रैक के ऊपर लगभग 15 एकड़ का रूफ प्लाजा बनेगा और 23 लेन किलोमीटर का एलिवेटेड रोड नेटवर्क भी बनाया जाएगा। वहीं ट्रेनों का आना जाना नीचे की मंजिल से होगा। अगर बात करें मुंबई के CSMT स्टेशन की, तो इस स्टेशन की मेन बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है और ये भारतीय इतिहास की धरोहर है, जिसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जबकि इसके पीछे के मौजूदा क्षेत्र को एडवांस पैसेंजर टर्मिनल में तब्दील किया जाएगा। ये पूरा स्टेशन एक छत के नीचे होगा, जिसमें पैसेंजर्स के आने जाने के लिए अलग गेट होंगे जो कि छत पर खुलेंगे। बता दें कि अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन को भी इसी तरह डिजाइन किया जाएगा। हालांकि इसमें खास बात ये है कि अहमदाबाद के नए स्टेशन का डिजाइन गुजरात के प्रतिष्ठित मोढ़ेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित होगा और बनेगा शहर की नई पहचान। आम आदमी बरसों से आने जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो किफायती भी है और आसान भी, और रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो हर जगह कनेक्टेड भी है। और अब सरकार उन्हीं आम लोगों को एयरपोर्ट की फैसिलिटी स्टेशन पर देने की कवायद कर रही है, जिसमें सभी सुविधाएं आम लोगों तक पहुँचाई जा सके। हालांकि इन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के लिए कीमत तो जरूर चुकानी होगी। तो अब देखना ये होगा कि वो सुविधाएं आम आदमी के बजट में आ पाएंगी या फिर नहीं।